रिश्ता नाम का जो एक तार बाकी था हमारे बीच, यूं समझ लो कि वो भी टूट गया। हमने एक खानदान की इज्जत को धूल में मिलाकर आपका सर शम से झुका दिया है ना। मैं आज इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहा हूं। अरे ब्रजेश, क्या खड़ा खड़ा देख रहा है तू? तेरा भाई जा रहा है। कोई खाना क्यों नहीं खाता है? सुपर मामी, मेरे लिए मूंग की दाल। नाहर की याद आ रही है? किसने कहा? नाहर के जाने के बाद उसकी यादें भी उसके साथ चली गई हैं। मैं उसे याद नहीं करना चाहता। आओ अंदर आओ। वहीं रुक जाओ। भाई साहब, मैं तो सिर्फ आपसे ये कहने आई हूँ कि आप सलोनी भाभी के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहे हो। जो कुछ भी है उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, आप मेरा यकीन मानिए। तुम्हारे और तुम्हारे सो कॉल्ड पति के लिए बेहतर यही होगा कि तुम दोनों बिना कुछ बोले चुपचाप यहाँ से चले जाओ। लीजिए आपका मंगवाया हुआ जहर। ये आदमी को अंदर ही अंदर अपाहिज करता है। इस दर्द को तो सह भी लूंगी मैं, लेकिन मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि हमारे ना रहने पर घर में कोई गलत ना हो जाए। हमें लगता है कि तुम्हें इस घर का माहौल अब बदल देना चाहिए। माना कि सलोनी अब इस घर में रहती नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी का लालच तो छोड़ेगी नहीं इतनी जल्दी, है ना? इस घर में आने के लिए रास्ता तो ढूंढती रहेगी। अब एक बार अगर सलोनी इस घर में आ गई तब तो वही होगा जो अब तक होता आया। सलोनी की हर बात सबको सही लगेगी, वो हर किसी को इम्प्रेस करती रहेगी, और एज यूजुअल ब्रजेश जी को तुम्हारी हर बात गलत लगेगी। सो तारा, तारा क्या हुआ? जी जी। व्हाट, क्या हो गया? नाहर चलिए, खाना तैयार है। अरे ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए इसे, मैं कर लूंगी। अरे थोड़ा काम मैंने कर दिया तो उसमें क्या हुआ? वैसे भी घर का सारा काम अकेले तुम्हें करना पड़ता है, अब थोड़ी हेल्प तो मैं भी कर सकता हूँ ना। इसकी कोई जरूरत नहीं है, और ये छोटे मोटे काम है, ये तो मैं आराम से कर लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। अब शुरू कर दिया तो आज के दिन करने दो ना। कहना नहीं, हेल्प करनी ही है तो फिलहाल खाना खाने के लिए हेल्प कर दीजिए, मेहरबानी होगी। अब चलिए चलिए, देखिए क्या बनाया मैंने। अच्छा वो जो खाने की खुशबू उस कमरे तक नहीं आई, वरना मैं सब कुछ छोड़कर पहले ही चला आता और दो मिनट में सब कुछ खत्म कर देता। अरे वाह, क्या हुआ? पहलाने वाला, अपने हाथों से तुम्हें खिलाना चाहता हूँ, इजाजत है? पूछने की जरूरत है?
किस दुश्मन का फोन आ गया? अभी आई। हाँ कावेरी। हेलो सलून दी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। घर में सब कैसे हैं? छोटू मम्मी को ज्यादा परेशान तो नहीं करता ना? काहे की परेशान, मम्मी जी तो दिन रात उसी की सेवा में लगी रहती है, किसी की भी परवाह नहीं। अच्छा सलून दी, घर में सब कैसे हैं? भाभू, तारा भाभी? हाँ सब ठीक है। हाँ सलून दी, याद आया, क्या आप मेरी अदिति जी से बात करा सकती हैं? वो एक्चुअली मुझे उस शॉप का एड्रेस लेना था जहाँ से वो साड़ियाँ खरीदती हैं। उन्होंने कहा था कि वो मुझे फोन करेंगी, लेकिन शायद फिर वो भूल गई। कावेरी बात तो अभी नहीं हो सकती, भाई साहब अपने कमरे में हैं। अच्छा तो धीर कवर सा आसपास है कहीं, उन्हीं से बात करा दीजिए, शायद उनको मालूम हो। कवर साहब भी कमरे में ही है, तक तो सो गए होंगे। चलिए कोई बात नहीं, कभी वहां से गुजरूंगी तो खुद ही आके एड्रेस ले लूंगी। फिलहाल रखती हूँ, अब अपना ध्यान रखिएगा, और आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी हुई। सच पे पर्दा डालते हुए जो तकलीफ हो रही है ना आपको सलोनी दी, उससे मुझे बहुत मजा आ रहा है। आपके मुंह से झूठ, ऐसी अनहोनी जैसे रेगिस्तान में बाढ़। नहीं नहीं, इस साल तो हमने ये चमत्कार भी देख लिया। आइए, अब खाना किसने ठंडा किया? अपनों से झूठ नहीं बोलना चाहती ना, लेकिन क्या करूं, सच बोलकर उनका दिल भी नहीं दुखाना चाहती। सच तो सच है सलोनी, एक ना एक दिन तो सामने आ ही जाएगा, कब तक छुपाएंगे हम? ईश्वर करे वो दिन आने से पहले हम अपने घर लौट जाएं। वो दिन कभी नहीं आएगा सलोनी, इस गलत फहमी को अपने दिल से निकाल दो, हम उस घर में कभी वापस नहीं जाएंगे। चाबियां लौटाने आया था, मेरी कुछ पर्सनल चीजें भी हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो ले जाओ। अरे नाहर जी, लंदन से मिस्टर स्टीव का मेल आया है। जो डिटेल्स हमने उन्हें भेजे थे वो मिस्टर पुरोहित, मुझसे नहीं, ये सब आप विजय सिंह जी से डिस्कस कीजिए प्लीज। भाई हमें इन सब बातों पर यकीन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमें लगता है तुम्हें किसी की नजर लग गई है तारा। जी जी आप ही ना, कुछ नहीं हुआ मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ, वीकनेस है, ठीक हो जाऊंगी।
चेहरा देखो अपना, फिर बोलना कि बिल्कुल ठीक हो। क्या तारा, तुम्हें इस हालत में छोड़कर हम कॉलेज नहीं जा सकते? तो आपने छुट्टी ले ली तो और क्या करते? तबीयत देखी है आपने? एनीवे तारा, हम सोच रहे थे कि आज कहीं आउटिंग के लिए चलते हैं। घर पे बैठे बैठे बिल्कुल बोर हो जाती होगी ना तुम। हमारा क्या है, हम तो कॉलेज जाते हैं फिर भी लोगों के साथ थोड़ा इंटरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन तुम यहाँ आज शाम को कहीं घूमने चलते हैं। तुम्हारे लिए भी अच्छा है और ब्रजेश जी को भी थोड़ी चेंज की ज़रूरत है। लेकिन जी जी, मैं नहीं आ पाऊँगी, बहुत वीकनेस है। आप जाइए ना ब्रजेश के साथ। नहीं, तब फिर कोई नहीं जाएगा। जी जी तारा, इट्स ऑल राइट, जब तुम ठीक हो जाओगी फिर जाएंगे। चलो अब तुम आराम कर लो, रात को ठीक से सोई भी नहीं हो ना? बहुत बेचैनी थी, बिल्कुल नींद नहीं आई। काम करो, ये खा लो, तुम स्लीपिंग टैबलेट है, एक खा लो, खा के चुपचाप सो जाओ। तो क्या कर रहे हैं पराक्रम जी? पराक्रम जी कुछ नहीं कर लें, बस अपनी नानी को परेशान कर लें, परेशान कर लें बाबा। मम्मी जी, इसके आने से आपका काम बहुत बढ़ गया होगा। अरे नहीं बेटा, ये नन्ही सी जान भला मुझे क्या परेशान करेगा। हाँ वो बात अलग है कि मैं इनकी देखभाल ठीक से नहीं कर पाती, ये मेरी कमजोरी है। क्या करूँ, अब मैं इसकी माँ तो नहीं बन सकती ना। मम्मी जी, तीन चार दिन से सलोनी दी की बहुत याद आ रही है, घर आना तो दूर, एक फोन भी नहीं करती है वो हमको। हाँ बेटा, यही तो दुनिया का सबसे बड़ा और कड़वा सच है कि बेटियां दूसरों के घर की अमानत बनकर ही जन्म लेती हैं। शादी के बाद माँ बाप का अधिकार नहीं रह जाता। अब सलोनी भी क्या करे, उसे भी काम से कहाँ फुर्सत मिलती होगी। पता नहीं, सुबह से उनकी बहुत याद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जमाना हो गया उन्हें देखे। हाँ सलोनी जी तो बहुत बिजी होंगी, उनकी छोटी नन्ना पिया जो हॉस्टल से आई है। अच्छा, पिया आई हुई है? जी, थोड़े दिन की छुट्टियों के लिए आई है। मम्मी जी, आपको नहीं लगता कि हमें पिया को घर पे खाने के लिए बुलाना चाहिए? मतलब सलोनी जी के ससुराल वालों का मामला है, कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए। कावेरी बेटा, बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन हम पिया को अकेले खाने पर तो नहीं बुला सकते ना। और अगर सारे लोगों को बुलाएं तो इतने लोगों के खाने का इंतजाम कैसे होगा? मैं तो सारा दिन इस बच्चे की देखभाल में लगी रहती हूँ, अब सारी जिम्मेदारी तेरे सिर पर आ जाएगी। मम्मी जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ संभालूंगी, आप बस इसे अपनी गोदी में लेकर बैठे रहिएगा, किचन में संभालूंगी। लेकिन कावेरी, मम्मी जी सलोनी की शादी के बाद अब जाकर आई है पिया, अगर हम उसे घर पे नहीं बुलाएंगे तो क्या सोचेंगे वो लोग? ठीक है बेटा। मम्मी जी फिर तो हमें आज ही जाके उनको इनवाइट करना चाहिए, और हो सके तो हम मन्नू भाभी को भी ले लेते। ठीक है, मैं अभी मन्नू भाभी से बात करती हूँ। तारा, तारा, ब्रजेश जी, तारा की तबीयत ठीक नहीं है, वो कमरे में आराम कर रही है, लाइए हम रख देते हैं। ब्रजेश जी, हम कॉफी बना रहे थे, आप कॉफी पियेंगे? नहीं, हम बना ही रहे थे अपने लिए, तो आप बैठे ना, हम अभी लाते हैं। सलोनी, मेरे सारे पेपर्स मेरे बैग में रख दिए ना, अगर भूल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी।
क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो... कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूँ मैं, बस थोड़ी सी कमजोरी आ गई। अपना ख्याल नहीं रखोगी तो कमजोरी तो आएगी ना। क्या हुआ बोलो, डॉक्टर को बुलाओ। जरूरत नहीं है नहार, आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना, देर नहीं हो रही। मीटिंग तो है लेकिन तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं भी फोन करके मीटिंग कैंसिल करता हूँ। ऐसा मत कीजिए, आप जाइए। मैं कैसे चला जाऊँ सरोनी, वो भी तुम्हें अकेला छोड़कर? यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं, एक मैं हूँ और मैं भी चला जाऊँ। नो, आई एम नॉट गोइंग। भरे पूरे परिवार में रहने का यही एक फायदा होता है, ध्यान रखने के लिए बाकी लोग होते हैं तो किसी को काम छोड़कर घर में बैठने की जरूरत नहीं होती। लेकिन क्या करें, अकेले रहना है तो सब सहन करना ही होगा। आप जाइए, मैं जानती हूँ ये मीटिंग आपके लिए कितनी जरूरी है। आयुष, वादा करो तुम अपना ख्याल रखोगी और कोई भी बात हो मुझे जरूर फोन करना। नाहर को मेरी बात पर भरोसा हो गया, इसका मतलब एक्टिंग ठीक ठाक कर लेती हूँ मैं। सॉरी नाहर, आपको भरे पूरे परिवार की अहमियत का एहसास दिलाने के लिए मुझे बीमार होने का नाटक करना पड़ा। अरे भाई नाश्ता कहाँ है? ये लीजिए आके। सॉरी। अरे वाह, कॉन्टिनेंटल खाना। वाह, तारा तो कॉन्टिनेंटल खाना बनाने में भी एक्सपर्ट हो गई। बहुत चक्कर आ रहा है, वीकनेस हो रही है, पता नहीं क्यों हो रहा है। ब्रजेश जी, इसकी तबीयत सुबह से ही कुछ खराब लग रही है, पता नहीं क्या हो गया। अचानक बैठे बैठे आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। आप प्लीज जरा तारा का ख्याल रखेगा, हो सके तो डॉक्टर को फोन कर लीजिएगा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अगर जरूरी हो तो तारा को डॉक्टर के पास ही ले जाना प्लीज। जी डोंट वरी, आई विल स्टे इन टच। तारा अपना ख्याल रखना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आराम करोगी तुम। नाश्ता तो थैंक्स, मैं जानता हूँ कि ब्रेकफास्ट आप ही ने बनाया। तारा टेक केयर। अरे मैं आती हूँ आपको दरवाजे तक छोड़ने, इतनी भी बीमार नहीं हूँ कि आपके साथ ना सकूं। चलिए। होमवर्क रख लिया? गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज इतनी जल्दी? हाँ एक जरूरी मीटिंग है, पर तुम इतनी लेट। हाँ वो ईशान रोज रात तक होमवर्क करता है ना, टाइम पे खत्म ही नहीं हो पाता, इसलिए रोज का चक्कर हो गया है। ब्रजेश सिंह जी, क्या बात है, आज सुबह सुबह हवा में बड़ी सुस्ती सी दिखाई दे रही है। माना कि हम लड़की वाले हैं और बिना खबर किए आ गए हैं, फिर भी कभी कभार तो समझियो कि मेहमान नवाजी करनी चाहिए आपको ना। आप सब खम्मा गणे गणे खम्मा विराजिए। अरे नाहर कवर सा और सलोनी की नजर नहीं आ रही, लगता है अभी भी अपने रूम में ही है। मनु भाभी, मम्मी जी आप बैठिए, मैं उनको बुला कर लाती हूँ।
कावेरी। सलोनी अपने कमरे में नहीं। अच्छा तो जरूर पूजा करने के लिए गई होगी। क्या बात है, सब लोग बड़े परेशान से लग रहे। हमसे कुछ छुपाया जा रहा है क्या? तारा डोंट माइंड, लेकिन आई एम रियली सरप्राइज्ड कि ये लोग इतनी आसानी से मासूमियत का नाटक कैसे कर लेते हैं। आप जरा साफ साफ बताने की कृपा करेंगे कि क्या मतलब है आपका? जैसे आप लोगों को पता ही नहीं, क्यों खामोखा का दिखावा करें? सलोनी ने तो अब तक शहर में ढिंढोरा पीट दिया होगा। सलोनी और नाहर अब इस घर में नहीं रहते। वो घर छोड़कर चले गए। हमारे मुंह से सुनकर तसल्ली हो गई आपको? अब प्लीज ये ड्रामा मत कीजिए।